हम जा रहे थे कहीं और जा कहीं हम रहे हैं और जाना था कहीं और अब जा कहीं और रहे हैं। उसका कोई रीजन था तो उस पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जाना तो लेह लद्दाख था लेकिन आज हम कहीं और जा रहे हैं। एक छोटा सा टूर प्लान कर लिया है क्योंकि होड़क लग रही थी कि कैसे भी यहाँ से निकलें। तो ये अभी हमारे युधिष्ठिर भाई हमारे पास आ चुके हैं, इनके साथ जा रहे हैं। बाकी के जितने भाई बंधु जा रहे हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा रास्ते में। बाइक से नहीं जा रहा हूँ, गाड़ी से जा रहे हैं, ये कन्फर्म है। 5-6 लोगों का ग्रुप है हमारा। एक तो ये बैग लेके जा रहा हूँ, बैग में सामान है, कपड़े वपड़े हैं। दूसरा बैग ये है, इसमें कैमरे वैमरे हैं। और ये हमारा अवदीप चौधरी हमको सी ऑफ करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, थोड़ी बहुत देर में मिलते हैं सीधा गाड़ी पर। चलो हैदर, मिलेंगे बाद में। हेलो, चलो बाय 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 बाय। चलो, और यात्रा चालू हो चुकी है। और अब हम दो चार जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और फिर निकलेंगे। अभी भरतपुर में ही हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। भगवान भला करे सबका, यात्रा मंगल में हो हमारी और आपकी भी यात्रा नहीं, आपका जीवन मंगल में हो। चलो, तो बाकी का भी दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आपको मिलाता हूँ एक एक करके। ये अजय भाई साहब हमारे आ चुके हैं और दो मेंबर और रह रहे हैं, अभी और मिलाएंगे आपको एक एक करके। सबको भर्ती कर रहे हैं इस गाड़ी में। और हमारे सबसे बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको, जो बताने की है, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब संगीत के इतने शौकीन है, पीछे डिग्गी में बूफर लगा रखा है और डिग्गी में सामान धरने की जगह नहीं है। और आप अपनी सिर पर रखेंगे सामानों को और देखते हैं सफ़र कैसा निकलता है। वैसे बढ़िया निकलेगा, जब यार बढ़िया हो तो सफ़र भी आराम से निकलता है। तो यात्रा शुरू करने पहले गणेश जी के मंदिर आए हैं, यहीं से दर्शन करेंगे गाड़ी में से। और ये हमारा गणेश जी का मंदिर है भरतपुर में, बहुत फेमस। और आप थोड़ा सा इधर से देख सकते हैं, ये गणेश जी का मंदिर है। एंट्री और हो चुकी है हमारी गाड़ी में और मिथुन आ चुका है और अब विष्णु रह गया है। विष्णु को लेते हैं बिजलीगढ़ चौराहे से और उसके बाद सीधा निकलते हैं उज्जैन। अब ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब के पास एक फ़ोन आया, तो क्योंकि भाई साहब उज्जैन तो आपके घर के पास भरतपुर के पास ही है। मैं भैया जी, वो उज्जैन नहीं है, उज्जैन है, वो 11 घंटा दूर है, ये तो आधा घंटा दूर ना है। तो ऐसे अच्छा, उसकी गलती नहीं है, बचपन में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उज्जैन और उज्जैन में फर्क नहीं था। हम उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन नहीं जा रहे हैं। और अब हमारा विष्णु भाई आ चुका है और अब हम हो गए 5। युधिष्ठिर भाई साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, इधर अजय बैठा हुआ है, फिर विष्णु है और फिर मिथुन है। तो अब 5 लोग इकट्ठे हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं भरतपुर से। और बने रहना संग, बहुत ही अच्छी राइड यात्रा होने वाली है। उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करेंगे और संडे तक का प्रोग्राम है, तो वीडियोज़ आती रहेंगी, बने रहना। और जो भी अपडेट होगा इंस्टाग्राम पर डालता रहूँगा, उस पर स्टोरी में क्रिएट करता रहूँगा, तो आप देखते रहना हम कहाँ हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, किस तरीके की वहाँ पर कोई व्यवस्था जो भी है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हम करीब अभी दूर हैं, 400 से ऊपर किलोमीटर दूर हैं और अभी आ चुके हैं हम। और हम अभी ग्वालियर रोड पे हैं, हमने थोड़ा सा टर्न ले लिया था, हम झांसी ना जाके, झांसी से पहले ही एक राइट साइड में टर्न आता है उससे ग्वालियर वाले रूट पर आ चुके हैं। और ये पांडे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रुक चुके हैं। ये हमारी क्रेटा से आए हुए हैं हम, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब की। और अब यहाँ पर खाना वाना संग लेके आए हैं, चाय का ऑर्डर दे दिया है, चाय पी लेते हैं, पराठे शराठे लेके आए उनको खा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:50, एक एक कप चाय मंगा ली है, सभी भाई चाय पी रहे हैं। चाय पी के बस थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं और फिर सीधा मिलता हूँ गाड़ी में। आगे कुछ मिलेगा तो फिर दिखा देंगे। वैसे रात हो रही है और अब 6 तक पहुँचने का शायद बैठेगा हिसाब किताब कि 6 हम महाकाल पहुँच जाएंगे। बाकी सब बढ़िया है, गाड़ी शानदार है क्रेटा और यार भी शानदार है, मजा मस्ती करते चल रहे हैं।
अब हम 400 किलोमीटर करीब चल चुके हैं और करीब अभी 230 किलोमीटर के आसपास बाकी रह गया है उज्जैन महाकाल, और अभी बज रहे हैं 2:30। तो हमने एक टी ब्रेक ले लिया है, चाय आ गई है, सभी चाय वाय पी के फिर आगे निकलेंगे। तो अभी अप्रॉक्स 6 बजे या 7 बजे तक लास्ट हम पहुँच जाएंगे। बाकी सब बढ़िया है, रोड बहुत शानदार है, एक भी ब्रेकर नहीं है, सिर्फ एक ब्रेकर आया था हमारे युधिष्ठिर भाई साहब के खाते में, उसके बाद ब्रेकर आया नहीं है। 100-120 की स्पीड पर चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड है, और राइड बहुत शानदार है। खाना वाना बीच में खा ही लिया था। रोड वास्तव में बहुत शानदार है, वास्तव में बहुत शानदार है, लेकिन नज़ारे हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रात है, 2:30 बज रहे हैं। तो नज़ारे देखने के लिए दूसरे दिन का वेट कर लो, और आगे सफ़र जारी है। पहुँच के फिर बात करते हैं कि जैसा भी होगा फिर अपडेट दूँगा मैं आपको। तो अभी एक्चुअली हम करीब 2 घंटे दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से, और बारिश इतनी शानदार पड़ रही है कि रोड पर कुछ दिख नहीं रहा है। और युधिष्ठिर भाई साहब हमारे भी कैमरामैन बने हुए हैं, बाकी हमारे भाई साहब सब सो रहे हैं और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। और मौसम बहुत शानदार है, लेकिन गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो हो गई है, रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी शानदार बारिश है। युधिष्ठिर भाई साहब सामने करके एक बार दिखाओ आप, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे क्या हो रहा है। और बाइक पर जो चल रहे हैं इसको फास्ट स्पीड पर चल रहे हैं, तब जाके मुश्किल से देख पा रहा हूँ। तो एनीवे ये भी एक मौसम है और इसका भी आनंद लेना ज़रूरी है। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब बहुत देर से हल्ला कर रहे थे, शीशा साफ नहीं है, बारिश हो रही थी, अब ऐसी बारिश हो रही है कि कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी मज़ा आ रहा है। और अभी करीब 2 घंटे दूर हैं, अप्रोक्स 95 किलोमीटर अभी दूर रह गया है हमारा डेस्टिनेशन। तो चलिए पहुँचते हैं, फिर देखते हैं, और कुछ दिखता है तो फिर बताते हैं। एक्चुअली बारिश इतनी तेज़ है और बारिश के साथ हवा भी काफ़ी तेज़ है, तो उस वजह से कार इतनी स्लो चलानी पड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे स्पीड अभी 40 है, 40। अब देखो इस पर कुछ भी नहीं दिख रहा है रोड पर। तो ये भी एक अपना एडवेंचर है, एक्सपीरियंस है, जो आज हम महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमको ये भी देखने को मिल रहा है। भोले सब पर कृपा करें, और हम बड़े आराम से चल रहे हैं। तो काफी धुआंधार बारिश होने के बावजूद हम बहुत ही स्लो स्पीड में आराम से ड्राइविंग करते हुए आ चुके हैं उज्जैन। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, और हमने धर्मशाला है यहाँ पर, महाकाल धर्मशाला, उसमें एक रूम ले लिया है जिसको हॉल कह सकते हैं, इसमें 7 बेड हैं, तो वो ले लिया है। और अभी मैं आपको एक छोटा सा इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ रूम का, ठीक है। और 750 रुपये इस पूरे हॉल का किराया है, तो इसमें 7 लोग ठहर सकते हैं, जिसमें 5 तो हम ऑलरेडी हैं, कोई 2 आएगा तो वो रुक लेंगे, जो भी है। तो इस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। और अभी हम 12 बजे से चेक इन है, और कल 12 बजे तक के लिए ले लिया है, तो पूरा हॉल 1500 रुपये में कल 12 बजे तक के लिए ले लिया है। तो ठीक है, एक बार मैं इसका हॉल को दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही शानदार है, ठीक है, नॉर्मल है, सोना ही है, रेस्ट करना है, फ्रेश फ्रेश होना है, नहाना धोना है, फिर सीधा मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो अभी आपको मैं रूम का एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो ये रूम है इस तरीके के, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें 5 इधर बेड हैं और 2 इधर बेड हैं, और पंखे वंखे लगे हुए हैं, और टीवी भी लगा हुआ है, और इधर लेट बाथ है, अटैच है, और आप थोड़ा बहुत सामान रखना चाहते हैं तो ये लॉकर वगैरह दे रखे हैं।